सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। गणपति महोत्सव सनातन धर्म का एक विशेष त्योहार है। ये महोत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक विश्व भर में मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को मध्याह्न स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए भाद्रपद मास चतुर्थी साल में आने वाली सभी चतुर्थियों में खास मानी जाती है। गणेश महोत्सव पर भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। कई प्रमुख पंडालों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहां पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं और 10 दिन तक बड़ी धूमधाम से पूजन अर्चन किया जाता है। 10 दिन पूरे होने के बाद श्री गणेश प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश भगवान महादेव शंकर भगवान और माँ पार्वती की संतान है। गणेश जी के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय है और उनकी बहन का नाम अशोक सुंदरी है। भगवान गणेश की पत्नियों के नाम रिद्धि और सिद्धि। वहीं गणेश भगवान का सिर हाथी समान दिखने वाला होने के कारण उन्हें गजानंद भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश पूजा से ज्ञान, धन, बुद्धि, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है तथा सारे प्रकार के कष्ट, दुख नाश होते हैं। श्री गणेश भगवान को प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है, मतलब हम चाहे किसी भी देवता की पूजा करें लेकिन गणेश भगवान की पूजा पहले होगी। तो आइए जानते हैं गणेश महोत्सव की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और 10 दिन तक चलने वाली इसकी पूजा विधि के बारे में। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 2 सितंबर सोमवार 4:56 पर। वहीं चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर मंगलवार रात 1:53 पर। गणेश पूजन का मध्याह्न मुहूर्त होगा 11:05 से 13:36 तक तथा पूजा की कुल अवधि 2:32 तक होगी। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार करनी चाहिए या फिर घर लेकर आनी चाहिए। इसके बाद एक कलश में जल भरकर उसे कपड़े से बांधा जाता है और इस पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाकर विधिवत पूजन किया जाता है और दक्षिणा अर्पित के बाद गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। गणेश प्रतिमा का पूजन सायंकाल के समय करके गणेश चतुर्थी कथा, गणेश चालीसा व आरती के बाद नीचे देखते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और चंद्र पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देनी चाहिए। गणेश महोत्सव पर गणेश जी का उत्सव और गणपति प्रतिमा की स्थापना और पूजा से शुरू होकर उन्हें 9 दिन तक घर में रखकर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान को विदा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ढोल बजाते और नाचते गाते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और विसर्जन के साथ ही गणेश उत्सव की समाप्ति होती है। गणेश चतुर्थी गणेश भगवान के जन्मदिन के रूप में लोग 10 दिन तक चलने वाला ये पर्व मनाते हैं। पुराणों के अनुसार गणेश जी का जन्म चतुर्थी के दिन ही हुआ था। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 9 दिन तक लगातार पूजा करने के बाद 10वें दिन प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। माना जाता है कि जो 9 दिन तक भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर होते हैं और उन्हें बुद्धि, बल, धन का वरदान भी प्राप्त होता है।